पार्ट सिंगी मराठी फिल्म का निर्माण किया गया है। अलग अलग लोकेशन पर बनी यह फिल्म यकीनन दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के आयोजकों ने दी है। पारुल शिंगी निवासिनी मां अनुसया माता के जीवन पर एक शानदार मराठी फिल्म का निर्माण किया गया है। इस फिल्म में हर कलाकार, डायरेक्टर और निर्माताओं ने अपना विशेष सहयोग दिया है। इस फिल्म में मां अनुसया के जीवन पर ओरिजिनल बातें अलग अलग लोकेशन पर शूट की गई हैं। श्रद्धा का स्थान तथा भक्तों के लिए माँ का आशीर्वाद सदैव अपने भक्तगणों पर रहने वाला है। पारुल शिंगी रामटेक, नागपुर, कल्लूर, हैदराबाद, गंगापुर और शिरडी में शानदार शूटिंग की गई है। मां अनुसया फिल्म LLP हेमंत नागपुरे प्रस्तुत फिल्म आई है। अनुसया पारुल शिंगी निवासिनी पूरे राज्य में प्रदर्शित की गई है, ऐसी जानकारी आयोजकों ने पत्र परिषद में दी। ये जो पिक्चर है ये मां के ऊपर है, सिंस चाइल्डहुड या बल्कि पैदा होने से पहले का भी सीन है, और कैसे वो आगे बढ़े, कैसे लोग पहले पागल बोलते थे, फिर बाद में धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि ये पागल नहीं, ये संत हैं। लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए और वो एक्सपीरियंसेस आज भी हो रहे हैं। मतलब माता ने अपना शरीर छोड़ दिया, त्याग दिया था 97 में, उसके बाद भी आज भी लोगों को वही एक्सपीरियंस हो रहे हैं जो कि उनकी लाइफ टाइम में होते। तो ये सब कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। और जैसे 1974 में शिरडी साई बाबा की मूवी रिलीज़ हुई तो पहले लोग कम जाते थे शिरडी, जैसे ही मूवी आई मनोज कुमार जी की उसके बाद वहाँ पे भीड़ बढ़ती गई, लोगों में श्रद्धा विश्वास बढ़ता गया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मौनी महाराज ने ये सब किया है कि लोगों में भक्ति बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। और इस मूवी में काफ़ी एक्सपीरियंसेस दिए गए लोगों के, डिवोटीज़ के। एक ये धार्मिक फिल्म है, एक माता आई अनुसया उनके जीवन चरित्र पर चित्र ये फिल्म है और कल 6 मई को रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग देखना चाहिए और माँ के भक्ति का आनंद लेना चाहिए। नागपुर में पंचशील, PVR इम्प्रेस मॉल, इन्फिनिटी मॉल और अपना ये राजविलास, ये 4 थिएटरों में। इसके अलावा भी अभी चल रहा है 1-2 थिएटर, हो सकता है बढ़ जाए। अभी फिलहाल 4 थिएटर फाइनल है। ये मराठी लैंग्वेज में है, रिलीज़ के बाद हम हिंदी डब करके बाद में हिंदी में रिलीज़ करेंगे, हिंदी और तेलुगु। ये माता के फॉलोअर्स के लिए है कि जब माता की प्रसिद्धि प्रचार होना चाहिए था और वो उसी के लिए फिल्म बनाई गई। इस मूवी के बारे में मैं कुछ क्या बताऊँ, मैं माता का सेवक हूँ, माता के सेवा में जैसे मैं लगा और माता के अनुभव जो मुझे हुए, मतलब माता भक्तों पे कैसी कृपा करती थी, अनेक भक्तों के सब देख के संकट हुआ कि माता का संकट दूर कैसे करती थी, ये वो सब देख के। उसके बाद में जैसे भी संत ये जगह दुनिया के कल्याण के लिए ही पैदा होते और ईश्वर का अवतार संतों के रूप में ही इस भूतल पर देखा जाता है, इसलिए इसमें माता जी में हमें शक्ति का अवतार है ऐसा महसूस हुआ और इस उनके भक्ति का आनंद सभी लोगों को मिले, इसलिए ये चित्रपट का हमने प्रयास किया निर्माण करने का। माँ अनुसया के जीवन पर आधारित यह फिल्म यकीनन एक संदेश, एक प्रेरणा देने वाली साबित होगी। समस्त कलाकारों का और फिल्म के सभी यूनिट को नागरिकों ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज नागपुर।